घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, चल नहीं पाना, बीपी का अचानक से बढ़ जाना, कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, कहीं आप अचानक गए हैं और अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि इतना छाती में दर्द हो रहा है, ऐसे हार्ट में पेन हो रहा है, हल्का सा कहीं अटैक ही ना आ गया हो। इस परिस्थिति में व्यक्ति इतना उलझन में फंस जाता है, इतनी ऐसी परिस्थिति बन जाती, ऐसी स्थिति बन जाती है, व्यक्ति सोचता है क्या करूं क्या ना करूं। डॉक्टर के पास पहुंचते तक तो आपको कुछ समय लगता ही है, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा एक इफेक्टिव एक्यूप्रेशर का पॉइंट और साथ ही साथ एक ऐसी मुद्रा जिसके करते ही आप जिस तरह अपने हार्ट को बचाने के लिए और अपने आप में तुरंत रिलैक्स पाने के लिए एक किसी तरह का एक जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देता है और हमें कैसे तुरंत हम रिलीफ हमें प्राप्त होता है, अटैक वहीं के वहीं रुक जाता है और हार्ट को कैसे बल मिलता है, उसी तरह इस एक एक्यूप्रेशर के पॉइंट और एक ऐसी मैजिकल मुद्रा जिसे आप करेंगे तो तुरंत किसी भी तरह के हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपको इंस्टेंट उसमें रिजल्ट मिलेगा। मैं कल्पना राठौर, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। यह सबसे पहले हम मुद्रा जान लेते हैं कि मुद्रा को कैसे करना है और इस मुद्रा का नाम क्या है और इस मुद्रा को कितनी देर करना है और कब करना चाहिए। जिस समय आपको प्रॉब्लम है उस समय तो आप इंस्टेंट तुरंत इसे कर लीजिए। इसके लिए आपको इंडेक्स फिंगर और यह जो अंगूठा आप देख रहे हैं, इस पहली उंगली को अंगूठे के निचले जोड़ पर इस तरह आपको लगाना है। उसके बाद आपकी जो बीच की दो उंगलियां हैं, यह मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसे अंगूठे के टिप पर इस तरह लगाइए। यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस तरह इसे लगाना है और सबसे छोटी उंगली को सीधे इस तरह रखना है। इसे अपान वायु मुद्रा कहते हैं और हाथ को आकाश की ओर, इस तरह हथेली को आकाश की ओर रखना है। इसे आपको भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट का रेस्ट दे दीजिए और जिस समय आपको प्रॉब्लम हो रही है उस समय तो तुरंत इस मुद्रा को इस तरह कर लीजिए। यह अपान वायु मुद्रा आपके हार्ट को तुरंत ही ऐसे जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करेगी और रिलैक्स तुरंत ही लगना चालू हो जाएगा। बीपी से रिलेटेड क्यों ना कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसी घबराहट, बेचैनी, हाँफ रहे हैं, सांस फूल रही है, चल नहीं पा रहे हैं, उस समय भी आप इस मुद्रा को कर लीजिए। और यदि आपको लंबे समय से हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रतिदिन दिन में 2 बार करना है और एक बार जब आप करते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए इसे करना बहुत ही आवश्यक है। इसे आप कोई भी, जैसे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उस समय आप इसे करके इस तरह मुद्रा को लगा लीजिए और फिर बैठ जाइए। वैसे रिलैक्स मोड में जितना बैठेंगे उतने उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके साथ ही साथ एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट, आपको लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली को लेना है और कोई भी नुकीली चीज, सुई ले लीजिए या सेफ्टी पिन ले लीजिए उससे, या पेन का कोई जो निब सामने वाला भाग होता है, नुकीला भाग, आपको उससे सबसे छोटी उंगली, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली के ऊपर के भाग को इस तरह, जैसे आपने देखा होगा कि जब ब्लड टेस्ट करते हैं कैसे सुई हल्के से ऐसे चुभोते हैं और एक ड्रॉप यदि ब्लड निकलता है उसे आपको निकलने से कोई प्रॉब्लम बहुत ही तुरंत ही एक इंजेक्शन का काम करेगा। और इस तरह आप छोटी उंगली को मसलिए, फिर देखिए इंस्टेंट आपको अटैक भी यदि आया है वहीं के वहीं आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने कोई ऐसी मैजिकल मेडिसिन हमें प्राप्त हो गई है और यह तो कुदरत का दिया हुआ ऐसा हमें एक ज्ञान है जो कि हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे। और यह थेरेपी धीरे धीरे अब फिर से इतने लोग अभी जागरूक हो गए हैं कि पुरानी पद्धतियों की ओर थोड़े अपना झुकाव जो बढ़ रहा है उससे वह फायदा लेना स्टार्ट कर दिए हैं और तुरंत इंस्टेंट के लिए कितना अच्छा मैजिकल रिजल्ट देने वाला यह पॉइंट है। फिर आप डॉक्टर के पास अवश्य जाइए, चेकअप कराइए, क्या प्रॉब्लम है यह देखिए, लेकिन उस समय व्यक्ति को घबराना नहीं है और अपने को जागरूक रखते हुए इस बात को
हमेशा ऐसे एक बिठा लीजिए। अचानक यदि ईश्वर न करे कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन अनजाने में कोई अपने आसपास हो, किसी को यह प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत उसकी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक और कमेंट भाई इच्छा हो तो कर दीजिए, और फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।